तटरी बनाए धर्म विरोधी है, जिसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे, ऊंट भी थे। बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बनारस के यज्ञाचार्य जी, भारत के सभी संत यहाँ आ गए हैं और यज्ञ का प्रारंभ हो गया, महाकुंभ का प्रारंभ हो गया। हज यात्रा पर खर्च नहीं करवाना है, आने वाली राशि से हम लोगों को गुरुकुलम। आपने रैली, इतनी भव्य रैली निकाली है, आज कलश यात्रा थी हमारी जन्मभूमि में पहली बार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए हमारे ये बागेश्वर धाम गुरु जी, हमारे पिताजी, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे, देखिए ये देखिए हमारे गुरु जी, ये देखिए कुछ बता रहे हैं मीडियम और बात कर रहे हैं वो। हमारे गुरुजी अब शायद जा रहे हैं, उनको जाने का जाने जा रहे हैं वो। जय श्री राम। आप लेना है सबके कष्ट तमाम, जय श्री राम। गुरुजी एक साथ लगा लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपकी आपने रैली, इतनी भव्य रैली निकाली है, आज कलश यात्रा थी हमारी जन्मभूमि में पहली बार, इतनी बड़ी कलश यात्रा हुई लगभग 2 किलोमीटर की, जिसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, आनंद भी था, उत्साह भी था, माताएं बहनें हजारों कलश लेकर के, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बनारस के यज्ञाचार्य जी, भारत के सभी संत यहाँ आ गए हैं और यज्ञ का प्रारंभ हो गया, महाकुंभ का प्रारंभ हो गया। धाम वर्तमान में बागेश्वर धाम स्वर्ग से कम नहीं लग रहा, और मैंने वहाँ के योगदान रहेगा। बिल्कुल, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें गरीब बेटियों की मदद करनी है और हमको अपनी दान पेटियों से, मंदिरों की दान पेटियों से हज यात्रा पर खर्च नहीं करवाना है, आने वाली राशि से हम लोगों को गुरुकुलम एवं जो है अस्पतालों की व्यवस्था भारत में करनी है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य ये भारत में होना चाहिए। जो लोग ये धर्म की रैलियों से नहीं जुड़ते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तटरी बनाए धर्म विरोधी है। बहुत बढ़िया, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तटरी बनाए मिलकर बहुत ही आनंद आया, हम लोगों ने फोटो भी निकाली और हम लोग, गुरु जी ने हम लोगों को इंटरव्यू दिया भाई ने रिकॉर्ड किया हमारे कैमरामैन ने, और बहुत बेहतरीन, बहुत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। बहुत बढ़िया लगा। आप देखिए हमारे मीडिया भाई लोग सब आए हुए हैं, और देखिए हमारे भाई आए हुए हैं, दीपक भाई आए हुए हैं, हमारे बीकानेर से आए हुए हैं भैया, और हमारे दीपक भाई कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भैया को। भैया बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुशी हुई, सर पे हाथ रख दिया गुरु जी ने। पहुँचने के लिए लोगों को मेहनत लग जाती है, सालों दो साल लग जाती है, लेकिन गुरु जी ने साक्षात मेरे सर पे हाथ रखा, साक्षात गुरु जी के चरण स्पर्श करने का मौका मिला। जय बालाजी महाराज, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, मेरा विश्वास अटूट कर दिया गुरु जी महाराज ने, मेरे अंदर पहले से ही विश्वास था कि गुरु जी से मेरी जरूर मुलाकात होगी, मुझे चरण छूने का मौका मिलेगा, मेरे आशीर्वाद भी मिला मुझे। जय बालाजी, जय बालाजी, सफल हो गया ये काम, आज का ब्लॉग हमारा सफल हो गया। बहुत अच्छा लगा शुभम भैया आपके साथ, अच्छा इन्होंने भी बालाजी के चरण छू लिए, इन्होंने भी, बहुत अच्छा लगा भैया को बहुत। ये देखिए कितने प्रसन्न है, नाच रहे हैं हमारे भैया ने, बहुत मेहनत की, देखो पसीना मार गया भैया को, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया, कसम से बहुत मजा आया। जय बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम।